हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड का नाश्ता। अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए सभी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड पीस लिया है। इसके हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है और इसे हम रोलिंग पिन से अच्छे से रोल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें हम डाल देंगे प्याज। 2 चम्मच में यहाँ पे प्याज ले रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पाउडर। साथ में हम डाल देंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। और इसमें हम डाल देंगे टमाटर 1 चम्मच। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो चिल्ली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हो। साथ में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक 1/2 छोटा चम्मच। साथ ही हम डाल देंगे ओरिगैनो। और इसके साथ ही हम डाल देंगे चीज 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे बारीक कटा हुआ चीज लिया है। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 चम्मच सॉस। और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पे ब्रेड पीस लिया है। इसके हम कॉर्नर्स को कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट कर लिया है और इसे हम रोलिंग पिन से अच्छे से रोल कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ब्रेड को अच्छे से रोल कर लिया है। और इस पे हम डाल देंगे ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया है इस तरीके से। आप चाहे तो चीज की मात्रा को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से रोल कर लेंगे। दोस्तों, इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप ताजी ब्रेड का ही इस्तेमाल करें, नहीं तो ये अच्छे से रोल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो दोस्तों, गैस में मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है। इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा बटर। और इसके ऊपर हम रख देंगे रोल की हुई ब्रेड। और इसके ऊपर भी हम अच्छे से घी लगा देंगे यानी बटर। तो दोनों तरफ हमने बटर लगा दिया है। और इसे हम हल्का हल्का उलटते पलटते अच्छे से चारों तरफ से रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप इसे जरूर बनाएं, खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है। तो देखा आपने कितने जबरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जबरदस्त ब्रेड सिगार रोल बनकर तैयार है। आप इसे जरूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत ही मजेदार लगने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।